यूसीसी पर चढ़ा सियासी पारा, बीएसपी चीफ मायावती का समर्थन, तो सरकार से किस बात पर ऐतराज? कि यहाँ विशाल आबादी वाले अपने भारत देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जिनके हर मामले में रहन सहन व जीवन शैली आदि के अपने अलग अलग से तौर तरीके नियम एवं रस्म रिवाजे हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बात भी काफी हद तक सोचने वाली है कि यदि यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोगों पर हर मामले में एक समान कानून लागू होता है, तो उससे देश कमजोर नहीं बल्कि मजबूती होगा। साथ ही लोगों में आपसी सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा आदि भी पैदा होगा। ये बात भी कई हद तक सही है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही भारतीय संविधान की धारा 44 में समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को बनाने पर प्रयास वर्णित है, उसका जिक्र किया गया है। लेकिन इसे जबरन थोपने का प्रावधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में निहित नहीं है, और इसके लिए जागरूकता व आम सहमति को श्रेष्ठ माना गया है, जिस पर अमल न करके अब इसकी आड़ में संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति करना देश हित में सही नहीं है, जो इस समय की जा रही है। क्योंकि संविधान की धारा 44 में तो समान सिविल संहिता बनाने का प्रयास तो वर्णित है, लेकिन इसे थोपने का नहीं। इसलिए इन सब बातों को खास ध्यान में रखकर ही तब फिर बीजेपी को देश में यूसीसी को लागू करने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए था। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने के विरुद्ध नहीं है, बल्कि भाजपा व इनकी सरकार के इसको देश में लागू करने के तौर तरीकों से सहमत नहीं है। जिसमें सर्वधर्म हिताय व सर्वधर्म सुखाय की नहीं, बल्कि इसकी आड़ में इनकी संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति ज्यादा देखने को मिल रही है, जो उचित नहीं है। जबकि इससे ऊपर उठकर तब सरकार को इसे लागू करना चाहिए, तथा ना ही इसमें कोई धार्मिक पक्षपात होना चाहिए। और यदि भाजपा सरकार ऐसा कुछ करती है, तो तब फिर हमारी पार्टी